Yeah. क्या मानते हैं कि वो सारे जो कृत्य है वो आपने किए हुए? नहीं। अब ये बताया जा रहा है कि आप लड़की को बुलाते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते थे? नहीं, ये सब। तो क्या मानते हैं, लड़की जो आरोप लगा रही है वो गलत है? गलत भी हो सकते हैं। नहीं, हो सकते हैं का क्या मतलब है? आप पूरे दोषी हैं। लड़की बता रही है कि आप उसे कमरे में बुलाते थे, उसके साथ दुष्कर्म करते थे, नशीली दवाइयाँ खिलाते थे, क्या कहना है? नहीं सर, नशीली दवाई में तो दुष्कर्म का जो आरोप है वो सही है आपसे? ये भी बताया जा रहा है कई लड़कियों के साथ आप छेड़छाड़ करते थे? नहीं सर, ऐसा कैसे? देखो आप, हम पीड़िता का और आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और इसमें आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो पीड़िता है उसके 164 के बयान कराने हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। हाँ सर, मेडिकल के क्या कुछ खुलासा हो पाया है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? ये देखिए, प्रथम दृष्टा जो बात सामने आई है कि इसमें एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि पीड़िता प्रेग्नेंट है। अब उसमें आगे कितने महीने का उसे गर्भ है इस बात की जांच कराई जाएगी। तो पुलिस अब क्या और दिशा में भी काम कर रही है, स्कूल में और छात्रों से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि और छात्रों के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ किया गया? इस दिशा में भी जांच जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई शख्स सामने नहीं मिला है।